30 अगस्त ये वो तारीख है जिस दिन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की और साथ ही बीजेपी के तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चंडीगढ़ में शाम 4 बजे 30 अगस्त को ये बैठक होगी और मुख्य बात ये भी है कि चुनाव काफी नजदीक है, आचार संहिता अगले महीने किसी भी वक्त लग सकती है, उससे पहले ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। क्या इसमें फैसले लिए जा सकते हैं, क्या एजेंडा होगा, ये जरूर चर्चा का विषय अभी से ही बन चुका है, इसलिए इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अध्यक्षता में हो रही हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में बड़े फैसले कौन से लिए जा सकते हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि पहले भी कैबिनेट में बहुत बड़े फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट ने लिए हैं मिलकर, ज़्यादातर जितने भी फैसले इस बैठक में चर्चा का विषय होते हैं ज़्यादातर पर मोहर लगी जाती है। अब इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे या क्या चर्चा होगी ये देखने वाली बात है। पूजा वर्मा ज्यादा जानकारी बेहतर तरीके से दे पाएंगी इस बैठक को लेकर जो 30 अगस्त को शाम 4 बजे चंडीगढ़ में होगी। पूजा वर्मा, एजेंडा क्या है बैठक का? बिल्कुल कमल, देखिए जन आशीर्वाद यात्रा एक और जो है चलाई जा रही है, इसके अलावा जो सरकारी कामकाज है वो भी बेहद जरूरी है, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा 30 अगस्त को जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिसमें जो लंबे पड़े चाहे वो कोई भी अधिनियम हो या कोई जो भी पेंडिंग काम है बात करें तो उनको लेकर ये बैठक की जानी है। तो करीब 4 बजे की बैठक होगी और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी और बेहद ही अहम मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जो पेंडिंग काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना सरकार की प्राथमिकता भी है और सरकार कोशिश भी कर रही है, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कोई भी वर्ग हो जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो सरकार के लिए जो है जिम्मेदारी है उन्हें पूरी तरह से जो है उनकी बातों पर गौर भी किया जाए और उनके लिए जो नियम जो कानून बनाए गए हैं उन्हें पूरी तरह से किया जाए। हालांकि अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ वर्ग है चाहे वो टीचर्स हैं या फिर इसके अलावा हरियाणा रोडवेज के कुछ कर्मचारी हैं जो फिर से अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेता रहे हैं, तो इसको लेकर भी कोई एक चर्चा इस बैठक में जरूर हो सकती है। जी कमल, आपने एक बड़ी बात भी कही पूजा वर्मा की चुनाव से पहले इस बैठक पर सभी निगाहें टिकी हुई है और जैसे कि आपने कहा कि अधूरे कामों को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है और साथ ही कर्मचारियों की भी बात कही है, क्या हम माने कि चुनाव से पहले जैसा कि पहले भी देखा गया है जब चुनाव से पहले कहीं कैबिनेट की बैठक होती है तो बहुत बड़े फैसले लिए जाते हैं जो चर्चा का विषय बन सकते हैं, क्या इस बैठक में हम उम्मीद करें कि ऐसे फैसले देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कमल, आप देखेंगे कि सरकार का लोकसभा चुनावों के बाद जो भी ग्राफ अगर आप देखेंगे बैठकों का जिसमें उसमें कोई ना कोई इस तरह की बड़ी बात जरूर निकलती है जिससे प्रदेश का भला होता है, प्रदेश की जनता का जरूर भला होता है और 4.5 सालों से जो भी जनता उम्मीद करती कर रही थी इस प्रदेश सरकार से उनकी मांगों पर गौर भी किया जाता है, तो वही जो अब कुछ लोगों की मांग है या कुछ ऐसे अधिनियम है या कुछ ऐसे कानून है जो कैबिनेट ने पारित करने थे वो अब इसमें पारित किया जाएंगे, चाहे वो कर्मचारियों की मांगों को लेकर होंगे या फिर जो डेवलपमेंट काम और जो है पेंडिंग रहते हैं तो उनको लेकर इसमें जो चर्चा होगी और बिल्कुल मान के ये भी चला जाए कि कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा वर्मा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे फिर से बातचीत होगी, इस पर जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया फिलहाल।